जय भीम, मैं आपका दोस्त प्राजागर हूँ। आज फिर एक बार धम्मपद की एक नई कहानी को लेकर आया हूँ। कहानी ब्राह्मण की कथा, जो पूर्व जन्म में बुद्ध के पिता हुआ करते थे। लेकिन इस कहानी की शुरुआत करूँ इससे पहले आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो सुनते हैं गाथा 225। अहिंसकाय मनुयेयो निच्चकायेन संहूता तेयन्ति अच्युत ठाणं यत्र गत्वाण सुचरि। अर्थात शरीर से सदैव संयमित जीवन व्यतीत करने वाले अहिंसा व्रतधारी साधक वितरागी हो जाते हैं और उनका आवागमन समाप्त हो जाता है तो सुनते हैं अमृत पथ पर कौन जाएगा। एक बार बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ भिक्षाटन हेतु साकेत नगरी में प्रवेश किया। एक बूढ़ा ब्राह्मण उनको देखकर उनके निकट आया और उनसे बोला, पुत्र, इतने वर्षों से कहाँ रहे कि अपने माता पिता से कभी मिलने नहीं आए। मेरे साथ आओ, तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलाता हूँ। ऐसा कहकर उसने बुद्ध को अपने घर में निमंत्रित किया। घर पहुँचने पर ब्राह्मण की पत्नी ने भी बुद्ध से वही बात कही और अपने बच्चों से बुद्ध का परिचय तुम्हारे अग्रज भ्राता के रूप में कराया और उनसे प्रणाम करवाया। उस दिन से वे ब्राह्मण युग्म बुद्ध को प्रतिदिन भोजन दान देते थे और प्रतिदिन धर्म श्रवण कर कुछ दिनों में उन्होंने अनागामी फल प्राप्त कर लिया। भिक्षुगण आश्चर्यचकित थे कि उस ब्राह्मण युग्म ने बुद्ध को पुत्र कहकर क्यों संबोधित किया और बुद्ध ने भी क्यों स्वीकार कर लिया। शंका समाधान के लिए उन्होंने बुद्ध से प्रश्न पूछ लिया। तब बुद्ध ने उन्हें समझाया, भिक्षु, उन्होंने मुझे पुत्र कहकर संबोधित किया क्योंकि 1500 पूर्व जन्मों में मैं उन दोनों का पुत्र या भतीजा था। इस प्रकार 3000 जन्मों में उन्होंने मुझे पुत्र की तरह प्रेम से पाला पोसा है। शास्त्रा ने यह गाथा भी कही, ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिन्हें देखते ही मन रम जाता है, चित्त प्रसन्न और सरल हो जाता है। जिस आदमी को इस जन्म में पहले कभी नहीं देखा है, ऐसे आदमी से पूर्व जन्मों में अद्भुतपूर्व प्रेम होने के कारण उसमें स्वतः ही श्रद्धा और विश्वास प्रकट हो जाता है। बुद्ध साकेत में उस ब्राह्मण युग्म के पास 3 महीने रुके रहे और इस अवधि में वह ब्राह्मण युग्म अरहंत्व को प्राप्त हो गया और फिर परिनिर्वाण भी। देहपात के बाद नागरिकों ने उन दोनों को एक साथ दाह संस्कार कर दिया। शास्ता भी अपने शिष्यों के साथ इस शव यात्रा में शामिल हुए तथा स्मशान घाट पर एक चबूतरे पर बैठ गए। शव यात्रा में शामिल कुछ लोग बुद्ध को लौकिक पुरुष की तरह समझाने लगे कि उनके शरीर त्याग पर दुखी न हो। बुद्ध ने उन्हें ऐसा कहने से मना नहीं किया, वरन उन्हें बताया, मनुष्य का जीवन काल बहुत छोटा है। कोई कितना जिएगा, 100 वर्ष? उसके बाद तो उसे मरना ही है। जो इसमें इससे अधिक जीता है, बुढ़ापा उसका शरीर शिथिल कर देता है। कुछ भिक्षुओं ने यह नहीं जानते हुए कि ब्राह्मण पति पत्नी के परिनिर्वाण प्राप्त कर लिया था, बुद्ध से पूछा कि उनका पुनर्जन्म कहाँ हुआ था। बुद्ध ने बताया, ऐसे
अशक्ष मुनिगण पुनर्जन्म धारण नहीं करते, ऐसे सिद्ध पुरुष का निर्वाण प्राप्त हो जाता है, निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। अहिंसकाय मनुयो निच्चकायेन संयुता ये सयन्ति अच्युतठाणं यत्थ गन्त्वाणगुसूचरे। साधु साधु साधु।